हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए हैं। आज मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ना ऐसे तबीयत खराब हो रही है ना, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। और देखिए मेरे से फुंसी, देखिए कि देखिए कितने मोटे मोटे दाने से हो रहे हैं। देखिए यहाँ भी देखिए, देखिए पता नहीं क्यों हो रहे हैं ये। देखिए क्या है, कहीं हो रहे हैं ये ना, ये वाला तो इसमें ना मुआत सी बन रही थी, तो मैंने इसे फोड़ दिया ना, तो ऐसा लगा जैसे कील चुभो दी हो किसी ने अंदर से, बहुत दर्द हुआ इसमें। तो फिर मैंने ये भी भींच के देखी, इसमें भी ऐसे ही दर्द जैसे कील हो इनमें अंदर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इनमें। हाथ भी नहीं लग रहा है बिल्कुल चेहरे पे ना, बस सच में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ तो आज इनकी वजह से दर्द हो रहा है, कुछ शरीर में दर्द हो रहा है। और देखिए कितनी बेकार लग रही है आगे, पता नहीं क्यों हो गई है। ऐसे होती तो है मेरे ही है, बहुत पहले से होती है, कभी भी हो जाती है ये। ऐसी मोटी मोटी गांठ से निकल जाती है ये अंदर से। और आज ना मेरा मन भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। समन कर रहा है थोड़े दिन ना कहीं घूमने के लिए चली जाऊं या कहीं अपने घर चली जाऊं। थोड़ा अजीब समन हो जाता है ना कभी कभी कि हाँ आ जाती है अपने घर की यार। तो आज मन कर रहा था मेरा, बट अभी कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है। किटू हाय, हाय, मेरे को स्वागत है आपका। ये मेरे सुई लगा रही है, क्या लगा रही थी मेरे यहाँ पैर पे लगाया करे सुई। तो अब ना मैंने ना मैक्रोनी मंगवाई है, मैक्रोनी बनाऊंगी क्योंकि मन सा कर रहा है मेरा खाने का। मैं भी खा लूंगी और बच्चे भी खा लेंगे, तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट से मैक्रोनी। जैसे भी पता नहीं क्यों आज मन नहीं लग रहा है मेरा बिल्कुल भी। किट्टू और डुगू तो खेल ही रहे हैं बाहर, किट्टू आपने देखी है अभी सुई लगा के गई है मेरे। हाय बोल दो। हाय बोल तो दे, आप भी बोल दो। कुछ भी बोल दो, राम राम जी कह दो। राम राम जी। अल्लाह को तो आया। हाय हाय। पुराने कपड़ा सबसे ज्यादा हो रहा है, नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का। क्या कर रही है किट्टू तू? तेरा फोटो कहाँ है? तो देखिए जी, ये ना सुबह के टाइम का क्लिप है, जब ना ऊपर हमारे ना पत्ते रखे थे, जैसे वो पेड़ा कटा था उसके पत्ते रखे हुए थे इसकी दादी ने, क्योंकि वे सर्दियों में काम आ जाते थे इन, पानी गर्म करने के लिए नहा लेते थे गर्म पानी से। बट अब चूल्हा ही नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि लाओ इन्हें जला ही देती हूँ, ये रखे हैं यहाँ, तो इसलिए जला रहे थे वो। कुछ यहाँ ना पन्नी पुन्नी हो जाती है हमारे कट्ठी, तो वे जला रहे थे। और ये देखे किट्टू और डुगू यहीं है, बार बार भाग रहे उधर फिर इधर आ रहे। और डुगू ने पन्नी की पन्नी इसमें डाल दी और डर भी नहीं रहा था जलने से। तो ये देखिए फिर ये आ गई थी, जब मैं आपसे बात कर रही थी फिर रख गई थी रसोई में। तो ये देखिए रख दिया है, उसका मैक्रोनी का पानी भी पक गया था, वो इसके पापा ने रख दिया था जब वो मैक्रोनी लेके आए थे, तो उन्होंने साथ के साथ पानी भी रख दिया था, तो वो पक गया था। तो अब मैंने डाल दिया इसमें मैक्रोनी, अरे मैंने घुमा लूँगी और 3 पॉइंट पे करके मैं इसे वो कर दूँगी और फिर ये उबलती रहेगी आराम से। तब तक मैं बाकी चौंक तैयार कर लूँगी, वो काट लूँगी। तो ये डाल दिया, थोड़ा सा ना इसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से उबल जाती है। नमक डालने से ना मतलब कच्ची कच्ची सी नहीं रहती है, फिर अभी कच्ची कच्ची सी रहती है ना फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं कर दूँगी इसे कम क्योंकि पूरी तेज़ हो रहा था ये, तो मैंने कर दिया इसे कम। अभी उबलती रहेगी आराम से। कोई तो गला घोट है, छोड़ दे ये गेरे की सेवा। ये भाई ये
देखिए जी ये उबल गई है मैक्रोनी भी, और ये प्याज टमाटर भी मैंने काट दिए हैं। जो ये मैक्रोनी का पानी है ये भी निकाल लिया है मैंने, थोड़ा सा मुझे चाहिए होता है। और ये प्याज भी कटिंग कर लिए हैं, कढ़ाई भी रख दी है। और ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, प्याज भी डाल दिए हैं, जीरा भी डाल दिया है, मैंने अच्छे से भून लूँगी। कई बार ना मैं खुद अकेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये भुन गया है प्याज। अब प्याज भुनने के बाद मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर, ये डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च। देखिए एक हाथ से ना वीडियो बनाने में और वो करने में ना फिर दिक्कत होती है, तो फिर कई बार मैं रोक भी देती हूँ और कई बार बना भी लेती हूँ। और ये कढ़ाई ना पकड़नी पड़ती है इंडक्शन पे ना, ये सरक सी जाती है, तो इसलिए तो ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक और हल्दी, यही डालते हैं सिंपल सही। और अच्छी लगती है मुझे तो सच में मैगी मैक्रोनी चाउमीन यही ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये जो मैंने मैक्रोनी का पानी बचा रखा था ना अब मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैक्रोनी का पानी जो मैं बचाती हूँ ना अब डालती हूँ इसमें, बहुत टेस्ट आता है, इससे अच्छी लगती है। और बिल्कुल सूखी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी सी वो होती है ना गिली गिली सी अच्छी लगती है। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें अच्छे से टमाटर प्याज भूनने के बाद मसाला बनने के बाद ये अब मैंने डाल दिया है इसमें मैक्रोनी। अब मैंने अच्छे से घुमा लूँगी और ये देखिए घुमाने के सारा काम करने के बाद ये हो गई है मैक्रोनी बन के बिल्कुल तैयार। अब मैं लगा लूँगी, ये मैं सबसे पहले लगाऊँगी किट्टू और डुगू की। ये देखिए लगा दी है मैंने किट्टू और डुगू की। और सबसे पहले है आपके लिए, ये मैं मिर्च निकाल रही हूँ इसमें से कि कभी उनके मुँह में चली जाए। तो आइए जी आप भी खा लीजिए, आइए आप भी खा लीजिए मैक्रोनी और बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है। तो चलिए फिर दे के आते हैं किट्टू को, सबसे पहले दूंगी किट्टू को। तो ये देखिए ये बैठ गई है किट्टू, अब लेके आऊँगी मैं डुगू की और डुगू को भी दे दूँगी। तो ये दे दिया मैंने डुगू को भी। ये देखिए जी अब आ गई हूँ मैं अपनी भी ले कर। आप भी खा लीजिए किट्टू के पापा मुझे दे रहे हैं, अगले तुम खा लो थोड़ी सी मेरे को ज्यादा है, मैं खा लो कह रहे दे रहे तुम दे दो भाई, मिरन तो है भी नहीं है, खा लो खाओ इसे लग गया है मिर्च, क्या लग गई तुझे मिर्च लग गई। खाना इनका ऐसा ही है, खावेंगे थोड़ी बहुत पानी ज्यादा पीवेंगे ये तो। अब हम भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत टेस्ट करके। अच्छी बन गई है, मेरा तो नहीं आई थी सॉस ले रहा है। खा तूने फोन पे देख लो जी हमारी वीडियो आ रही, कितनी देर होगी क्या देखा है लड़के वाला। अच्छा लड़के वाला सुमा वाला क्या क्या आ रहा था उसमें क्या वाला? नहीं कितने गिर बहुत देर तो देखा तूने, ये देख लो ये तो शैतान है, जरा थोड़ी सी देर प्यार आता है इसमें फिर इसमें वही चिल्ला नहीं। अच्छा मैं तेरी वीडियो बना रही, पहले मुझे बता दो मैं तेरे से पूछ रही। सवा दस बज गए हैं, अब सोच रहे हैं किट्टू और डुगू तो सोए नहीं है, अभी सोच रहे हैं सुला दे पर सो नहीं रहे, उधर जा रहे हैं अपनी ताई के पास। आज पता क्या हुआ है, ऊपर ना जैसे इसकी ताई ऊपर थी, ऊपर बैठी थी वे, और ऐसे वे बैठी थी पीछे से बंदर आया फोन ले गया उनको उठा के, फोन ना पूरा तोड़ दिया है, खराब ही कर दिया है फोन। तो बहुत बंदर आते हैं यहाँ, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और डुगू तो डर ही गया था, बाद में जैसे बंदर बोला ना वैसे तो वो धमकाता रहता है बंदरों को, भाग तीन डंडी मारेगा ये है, पर वो ये जब सामने आ जाता है तो वो बच्चा ही है अभी, बड़े ही डर जाते हैं बंदरों से, तो अच्छे अच्छे उनके होश खराब हो जाते हैं। एक बार मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझे पूरी छत पे गोल गोल घुमा दिया था। ए किट्टू किट्टू पता नहीं कहाँ चली गई, उधर चली गई, आई नहीं रही, वीडियो का एंड तो वही करती है, कल भी नहीं किया था उसने। किट्टू आजा धन्यवाद कह दे, आजा
तो आज ही है जी किट्टू। तो चलिए अब करते हैं हम वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक वीडियो गुड नाइट। चलिए तो कह के तुम भी कह दे बाय बाय। धन्यवाद धन्यवाद कहिए डुगु। अच्छा गुड नाइट कह दे चल। चलो बाय बाय कह दिया डुगु ने, तो बाय बाय कह दिया भाई डुगु ने। चली गई वो तो जल्दी जल्दी में बोल के, मुझे भी नहीं पूरा बोलने देती है जब बोलने लगती है, ऐसे करती है। अरे ये सो गए हैं, सोए तो नहीं है पर लौट रहे हैं, ऐसे ही बार बार उठा देते हैं किट्टू और डुगु। सुबेरे उठना पड़ता है, जाते हैं 4 बजे उठ जाते हैं जब मंडी में जाते हैं। तो चलिए जी बाय बाय।